नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल सुरभि स्टडी आईक्यू में। चलिए देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है दोस्तों फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में है? तो एशियन हॉकी महासंघ का मुख्यालय दोस्तों क्वालालंपुर मलेशिया में। क्लियर है? तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है, तो जिन लोगों ने लिखा है डिटेल में, आंसर किया हुआ है, उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO द्वारा दोस्तों किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये QRSAM है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO ने दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से इसे लॉन्च किया है और दो मिसाइल का एक साथ परीक्षण किया है। कितनी मिसाइलों का? दो मिसाइल्स का एक साथ परीक्षण किया है उड़ीसा में, और ये दोनों मिसाइल जो हैं ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एयर में ही जो उधर से अपोजिट साइड से अपोजिशन से जो मिसाइलें आ रही होंगी ये उनको एयर में ही तबाह कर देगा। ठीक है, हवा में ही तबाह करने के लिए सक्षम है। आपको तो पता ही होगा कि भारत की तरफ से अभी एरियल स्ट्राइक की गई, उसमें मिराज 2000 जहाज़ यूज़ किया गया। ठीक है, लेकिन फिर उधर से पाकिस्तान ने अपने F-16 विमान भेजे थे, तो जो F-16 विमान भेजे थे इसके एवज में हमारे भारत से MiG-21 ने इनको खदेड़ दिया है। ठीक है, पाकिस्तान के F-16 विमान को, तो पाकिस्तान अभी भारत ने इंडिया ने MiG-21 यूज़ किया। अब इसी के साथ जब ये जुड़ जाएगा QRSAM तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इंडिया की जो एयरफोर्स है और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में DRDO ने दो QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है, और इन दोनों मिसाइलों का दोस्तों अलग अलग हाइट से अलग अलग एंगल से परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब यही हुआ कि हर सिचुएशन में वो लॉन्च किया जा सके जिससे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों मिसाइल जो हैं दोस्तों, इसकी स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की इसकी स्ट्राइक रेंज है। ठीक है, तो DRDO ने किया है इस QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर यानी कि सतह से वायु में मिसाइल जो मार करने वाली मिसाइल है उसका परीक्षण किया है। तो DRDO के बारे में भी हम लोग कुछ और जान लेते हैं। DRDO की स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय सेना के लिए जो हथियार वगैरह है वो यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है G. सतीश रेड्डी। कौन है? DRDO के प्रेसिडेंट है G. सतीश रेड्डी। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की है। किसने? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जो की हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू किया है। ये योजना दोस्तों मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में शुरू किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसमें किया क्या जाएगा इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब इन्होंने घोषणा किया था। तो ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो शहरी युवा हैं, जो शहरी क्षेत्र के युवा हैं जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए ये रोज़गार देने के लिए ये योजना लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो ये योजना जो है दोस्तों इसको मंजूरी मिल चुकी है। 100 दिनों का रोज़गार इसमें दिया जाएगा शहरी आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरी युवाओं के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरी युवा, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ये आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरी युवाओं की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, मतलब किनको माना गया है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर शहरी युवाओं को उनको माना गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है, इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है वो 2 लाख रुपये से कम हो। कितने से? 2 लाख रुपये से कम हो उनके परिवार की वार्षिक आय, और वे शहरी युवा हैं, तो यानी युवाओं की परिभाषा इसमें बताई गई है 21 से 30 वर्ष के बीच हो, तो उनको 100 दिनों का रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, मैप में देख लीजिए, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसकी राजधानी होती है भोपाल। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं कमलनाथ, और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन हैं चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ। कौन है?
संजय कुमार सेठ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्लियर है इतना। मध्य प्रदेश हम लोग देख लेते हैं किन किन राज्यों से सीमा लगाता है, तो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, इधर महाराष्ट्र से और नीचे छत्तीसगढ़ से, इतने राज्यों से ये सीमा लगाता है। क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसको अमेजन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। तो अभी हाल ही में अमेजन के निदेशक मंडल में यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है इंदिरा नुई को और रोसलिन ब्रेवर को। किसे? इंदिरा नुई को और रोसलिन ब्रेवर को शामिल किया गया है। इंदिरा नुई के बारे में आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे, ये पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं, ठीक है, पेप्सिको की भी ये निदेशक मंडल में थी अभी तक। तो इन दोनों को शामिल किया गया है अमेजन के निदेशक मंडल में। तो हम लोग इंदिरा नुई के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। इंदिरा नुई दोस्तों अक्टूबर 2006 से लेकर के अक्टूबर 2018 तक ये पेप्सिको की CEO रही थी। याद रखिएगा, पेप्सिको की CEO रही थी। और इसके साथ ही अभी फरवरी 2019 में इनको पेप्सिको के निदेशक मंडल से हटाया गया है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और दुनिया की पावरफुल लेडीज में भी इनका नाम कई बार शामिल किया जा चुका है, इंदिरा नुई का। तो अभी हाल ही में अमेजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंदिरा नुई को और रोसलिन ब्रेवर को शामिल किया गया, यानी कि उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। अमेजन के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। अमेजन दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ई रिटेलर कंपनी है। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जो कि हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अभी जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर की लिस्ट आई थी उसमें इनकी संपत्ति, इनका टर्नओवर बताया गया था $135 अरब। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी। तो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है दोस्तों श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर 2-0 से हराया है और ये ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है, पहली एशियाई टीम, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यही दो ऐसी टीमें हैं, दो देशों की क्रिकेट टीमें हैं जो अफ्रीका में जा कर के, दक्षिण अफ्रीका में उनको उनके घरेलू मैदान पर हराई है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। और अभी तक कोई एशियाई टीम नहीं हराई है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एशिया में है नहीं, तो इसी वजह से उसको नहीं लिया जाएगा। तो श्रीलंका जो है ये एशियाई टीम है, इसने दक्षिण अफ्रीका में जाकर के टेस्ट सीरीज हराया हुआ है। तो इसके साथ ही कुशल परेरा जो है श्रीलंका के, इन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब श्रीलंका आया है तो मैप में देख लीजिए, ये रहा छोटा सा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी होती है श्री जयवर्धने कोटे, पहली थी कोलंबो, अब है श्री जयवर्धने कोटे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे। क्लियर इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने नव किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में उड़ीसा ने नव किसान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये नव किसान लिमिटेड एक कंपनी है, इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने समझौता किया अभी हाल में। और क्यों किया है ये समझौता? ये समझौता किया गया है जो फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि किसान उत्पादक संघ है जो, उसके लिए ये फंड देने के लिए, फंडिंग करने के लिए नव किसान लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ठीक है। ये इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भी टाई अप है नव किसान लिमिटेड का, तो उनसे मिल करके उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये, कितना, लगभग 10 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी फंड इसमें शामिल है इस समझौते के अंतर्गत, ठीक है। क्लियर है इतना। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ये फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि किसान उत्पादक संघ को 10 करोड़ रुपये तक के क्रेडिट गारंटी फंड को की फंडिंग देगी, ठीक है। अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, जहाँ पर 2018 में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप कालिंगा स्टेडियम में, भुवनेश्वर के, ठीक है। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक जी, यहाँ के गवर्नर हैं कड़ेसी लाल और उड़ीसा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्यदेव झावेरी। उड़ीसा देख लीजिए किन किन राज्यों से राजधानी बनाता है, मैप में आप लोग डिटेल में देखिए, तो पश्चिम बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, छोटा सा तेलंगाना के साथ थोड़ा सा, और आंध्र प्रदेश के साथ, और बाकी इधर तो उड़ीसा का तट ही है, ठीक है। तो इतने राज्यों से भी सीमा लगाता है उड़ीसा। क्लियर है। उड़ीसा में ही महानदी है और महानदी पर ही है हीराकुंड बांध परियोजना। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों सुरेश रैना। कौन? सुरेश रैना बन गए हैं पहले भारतीय खिलाड़ी 8000 रन बनाने वाले। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा,
कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल मैच ही खेला जाए तभी रन जुड़े, नेशनल मैच होता है तब भी जुड़ता है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, तो उसके मैच में इन्होंने बनाया है सुरेश रैना ने, और किसके खिलाफ़ बनाया है, पुडुचेरी के खिलाफ, पुडुचेरी के खिलाफ बनाया है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना यूपी से खेलते हैं, किसके, यूपी के टीम से खेलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं ये। तो पुडुचेरी के खिलाफ इन्होंने अभी हाल ही में जब खेल रहे थे तो इन्होंने 8000 रन अपने पूरे किए हैं T20 में, ठीक है। इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, MS धोनी के बाद 300 T20 खेलने वाले, 300 T20 मैच खेलने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं इसी मैच के साथ, ठीक है। MS धोनी के बाद, ध्यान दीजिएगा, MS धोनी पहले खिलाड़ी हैं 300 T20 खेलने वाले। इसके बाद सुरेश रैना है, सुरेश रैना के जस्ट पीछे अभी हैं 299 T20 खेलने के साथ रोहित शर्मा, यानी कि 300 का आंकड़ा छूने का अगला नंबर है रोहित शर्मा का, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में, और ये आयोजन कराया गया है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित कराया गया है एविएशन कॉन्क्लेव 2019। करंट टाइम पर जसवंत सिन्हा जो हैं ये हैं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, इनको भी आपको याद रखना है, जसवंत सिन्हा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, क्लियर है। और इस एविएशन कॉन्क्लेव 2019 की थीम क्या रखी गई है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फ्लाइंग फॉर आल, क्या थीम है, फ्लाइंग फॉर आल है इसकी थीम, क्लियर है। तो 27 फरवरी को इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली है भारत की राजधानी, ये किन किन शहरों से किन किन राज्यों से सीमा लगाती हैं, तो नई दिल्ली जो सीमा लगाती है दोस्तों मेनली उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, इन दो ही राज्यों से ये सीमा लगाती है, तो इनको आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अभी हाल ही में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा को, किसे, प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा को। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, ये शिक्षाविद हैं और लेखक हैं, इनको अभी हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है, 26 फरवरी को ये नियुक्त किए गए हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी किसने जीता। तो अभी हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती है दोस्तों ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने, किसने, ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने, इनको भी आप लोग इमेज में देख लीजिए, ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता को, इन्होंने अभी हाल ही में कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती है, और इन्होंने 9वें और लास्ट राउंड में इटली के साथ, इटली के जो पियरे लुइगी बैसो हैं, कौन है, पियर लुइगी बैसो, उनके साथ एक ड्रा खेला, ड्रा मैच खेला, और इसके साथ ही क्योंकि इनका पॉइंट ज़्यादा था, 7.5 पॉइंट था इनका, तो इस वजह से ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता जो हैं ये बढ़त में पहले से ही थे, आगे थे, तो ये जीत गए कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, इनको जीत मिल गए, ठीक है। तो ये इनकी पहली एक सिंगल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से नामित किया गया है दोस्तों मुहम्मदु बुहारी को, किसे, मुहम्मदु बिहारी को, बुहारी को, एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। इन्होंने दोस्तों चुनाव हुआ था वहाँ पर, तो इन्होंने 4 मिलियन वोटों से जीत दर्ज की है, यानी कि ये अपोजिशन जो पार्टी थी उससे 4 मिलियन वोट ज़्यादा थे इनके, क्लियर है, मुहम्मदु बुहारी के, ठीक है। इमेज में आपको ये दिख रहे हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति एक बार फिर से ये बन चुके हैं। अब नाइजीरिया आया है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए। नाइजीरिया की राजधानी होती है दोस्तों अबूजा, क्या होती है, अबूजा होती है नाइजीरिया की राजधानी। यहाँ की मुद्रा होती है नाइजीरियन नायरा, क्या होती है, नाइजीरियन नायरा, नायरा है यहाँ की मुद्रा, क्लियर है इतना। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर करोगे लाइक करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं अगले दिन और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 91वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला।
91वें में ऑस्कर अवार्ड अभी दिए गए हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में लिखा करो। डिटेल में अगर आप लोग लिखोगे तो आपको चीज़ें जल्दी आपसे नहीं भूलेंगी और आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स याद रहेंगे लिंक करके, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश किया करो, और आप लोग अगर लिखने की कोशिश करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखते हो, तो आपके प्रोत्साहन के लिए आपका नाम मैं बताया करता हूँ। तो लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है, तो नाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से आज से मैं 9 बजे सुबह के पहले पहले जो लोग कमेंट करेंगे उनके नाम मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल कल के वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने आंसर किया बहुत अच्छे से। उनके नाम है ओम प्रकाश पांचाल, आंचल मिश्रा, भोमा राम, अर्जुन सिंह, अनिल सुमन, वीना शर्मा, गोलू गुर्जर, बबिता कुमारी, राजकुमावत, कल्पना धुसिया, सोनिका भारद्वाज, दिलीप नाविक, अंगद कुमार शर्मा, आशीष दुहान, रवि महंत, रघुवर सिंह, जितेंद्र कुमार, सृष्टि मिश्रा, सोनू दुबे, कुणाल भा, गणेश महतो, कुलदीप मीना, सूरज माने, एहसान अली, भाग्यश्री ताठे, विवेक कुमार, संजय गुप्ता, रोहित कुमार, अमृता सिंह, रविदास, कुलदीप किमकर, संगीता रावत, उदय पंडित, जीके फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अजय कुमार, मुकेश कुशवाहा, नयन के सिंह, निधि सिंह, कुसुम असवल, कुलसुम परवीन, रघुनंदन राजपूत, छुट्टन प्रजापति, भोमा राम, हेमलता मीना, रचना सिंह, सुहानी यादव, अमन गुप्ता, अमरजीत, गौरव अनुरागी, परम सिंधु, शोभा मोदी, कृष्णु यादव, आदित्य कुमार, संदीप पूनिया और रौनक कुमार। तो देख रहे हैं आप लोग जैसा कि नाम बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, इस वजह से कल से मैं 9 बजे सुबह के पहले पहले